जय बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और मैं आज आपको लेकर आई हूँ चाई गाँव में, जो कि मेरा मायका है। और चाई गाँव में है सीता माता का मंदिर। आज मैं आपको करवाऊँगी सीता माता के दर्शन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम चाई गाँव में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर लगा हुआ है चाई गाँव का बोर्ड। और हम चाई गाँव के इतने करीब हैं, हम बोल सकते हैं कि हम चाई गाँव के चरणों में हैं। और पहुंचने वाले हैं हम सीता मंदिर। सीता मंदिर पहुंचने के बाद आपको कराऊंगी मैं सीता माता के दर्शन। आप यूं ही बने रहिए और ले चलती हूं मैं आपको सीता मंदिर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। जैसे ही हम चाई गांव में पहुंचे, चाई गांव का नाम चाई इसलिए पड़ा कि यहां पे आप देख सकते हैं चाइना माता का छोटा सा मंदिर पत्थरों से बनाया गया है। यह है चाइना माता का मंदिर और चाइना माता के नाम से ही चाई गांव का नाम चाई पड़ा हुआ है। और ये मैं आपको दर्शन कराती हूँ और इसके बाद ले चलूँगी आपको सीधा सीता माता की ओर। बोल सीता मैया की जय। ये देखिए गांव में अभी भी सुंदर मकान देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत पुराने हमारे दादी दादाओं के टाइम के घर हैं। ये देखिए किस तरीके के दरवाजे हैं, छत है, बहुत सुंदर। दे अब तो ये देखने को भी नहीं मिलता है, लेकिन गांव में जाओ तो कहीं कहीं देखने को मिलता है। देखिए इस जगह का नाम है चक्करखोली, जो कि सीता मंदिर जाने से पहले पड़ता है। और देखिए पुराना घर, डंडाले छज्जे वाला अब देखने को नहीं मिलता है। और ये पुरानी लकड़ियों से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये घर। देखिए ये पुराने टाइम का दरवाजा है, जिसे कि मुख्य द्वार जो अब हम कहते हैं और उस समय कहते थे खोली। इसीलिए गाना भी है खोली का गणेशा हो। इधर लकड़ी के डिजाइन दिखा। और बोलो सीता माता की जय। पहुंच चुके हैं हम सीता माता के मंदिर में। और मंदिर में आकर के अब दिखाते हैं, ये सामने पे आपको देखने को मिलेगा सीता मंदिर। और बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं यहाँ पे गुलाब के। आपको सीता मंदिर के बाहर हनुमान जी के दर्शन होंगे। और ये रहा छोटा सा हनुमान जी का मंदिर। संपन्न और पंडित जी से जानेंगे हम सीता माता के बारे में और पंडित जी हमें उनके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो है माता सीता जी का जो है, या जो उनका पूर्व जन्म का नाम वेदवती था, तो हमारे उसमें कथा आती है कि जब वो पूर्व जन्म में वेदवती नाम से, सीता जी का पूर्व जन्म का नाम वेदवती था, तो उस समय इस क्षेत्र में वो तपस्या कर रही थी। तो रावण जो है अपना पुष्पक विमान से भ्रमण कर रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि निर्जन स्थान में कोई दिव्य ज्योति जैसी दिखाई दे रही है इस स्थान पर।
तो उसके जिज्ञासा बस वो नीचे उतरा अपने विमान से और इस स्थान पर जहाँ पर आज जो है माता सीता जी का यह स्थान है, उसने सीता जी का दिव्य रूप देखा, सीता जी का पूर्व जन्म का रूप वेदवती। तो रावण ने कुछ ऐसा उनसे निवेदन किया कि जिससे वो बहुत रुष्ट हो गई। उन्होंने कहा मैं इस क्षेत्र में तपस्या के लिए आ रखे थे, तो उन्हें आकर के मेरा जो है पूरी तपस्या भंग कर दी है और मैं इस शरीर को छोड़ रही हूँ। तो उसी कारण ने इस यहाँ पर जो माँ जी के जो शिला रूप में है, कोई मूर्ति रूप में नहीं है, तो ये मान्यता है कि जो यहाँ पर शिला बनी है वो माता सीता जी का ही शिला रूप है। वो बड़ा पाषाण रहा, छोटा रूप में यहाँ पर उसका अंश जो है। तो ये रावण के जब ये श्राप सीता जी ने दिया कि जो तू एक माता बहनों को जो है एक पद से नहीं देख सकता है, रावण पूरा विद्वान था, सब कुछ था, वेदों का बड़ा, व्याकरण का सूर्य बोलते उसको, इतना ज्ञान बस रावण की जैसा बीज व्याकरण का इतना ज्ञान सृष्टि के आ तक किसी को नहीं हुआ। विद्वान बहुत, इतना प्रकांड विद्वान था रावण, लेकिन कमी क्या हो गई, वो जो है जिसमें जो दोष वही था एक कारण उसका, उसकी सब अपकीर्ति हो गई। मतलब तो उन्होंने कहा मैं तपस्विनी हूँ, तूने मेरा साधना खत्म की है, तो मैं श्राप देता हूँ कि अगर तूने किसी भी आज के बाद किसी भी परिस्थिति को तूने जो है बलात् ऐसी कोशिश की, तूने स्वेच्छा से तो कुछ भी हो सकता है लेकिन बलात् कोशिश की, तो तेरा सिर फट जाएगा। तो यही कारण है कि जो है जब सीता जी जो है उनको अपहरण करके ले जाता है, तो सीता जी को मनाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती कर सकता था, राजा था वो, तो उसे पता था मैं जबरदस्ती की तो मेरा सर फट जाएगा। वही वेदवती के श्राप के कारण जो है सीता से अनुनय विनय करता था, मेरी पटरानी बन जाओ, मेरे पास दुनिया का स्पर्क सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, तो ये कोई कमी नहीं रहेगी, मैं सारा तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। लेकिन सीता जी इसलिए आज इनकी पूजा कर रहे हैं कि इतने महान थे कि उसके सब प्रलोभन को उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये यहाँ पर उसी रूप में माता जी की जो है पूजा है और बहुत दिव्य स्थान है, बहुत शक्ति वाला स्थान है, इसका अनुभव जो ये साधक भक्तजन है, क्योंकि जो है दूध में मक्खन भी तभी निकलता है या घी भी तभी निकलता है जिसको मथा जाता है, तो भगवान भी तभी प्रकट होते हैं। किसी जगह का सिद्ध जगह, कितनी सिद्ध जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई साधना नहीं करते हैं, कोई तप नहीं करते हैं, हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, तो वहाँ का प्रभाव हमको नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से स्थान पर किसी ने हृदय से भक्ति कर दी तो तत्काल फल है। ये माता जी के स्थान से मैं कह रहा हूँ, मैं तो माता पुजारी आदमी हूँ, ज़्यादा विशेष कोई तपस्वी नहीं, कुछ नहीं, पर छोटा मोटा मुझे भी है कि दिव्य स्थान है। कोई भी आदमी जो है निष्ठा से यहाँ पर अगर जो है माता जी के उसमें चरणों में जो है सदा भक्ति रखता है तो मेरा पर्याप्त फल देती है। तो वेदवती इनका पूर्व जन्म का होता, तो माता जी का पूर्व जन्म वेदवती, जब माता जी का पूर्व जन्म का होता उस समय रावण को श्राप दे रखा है, और श्राप होने के बाद उन्होंने स्वयं जो है शिलापिंड बन गई थी वो, और उसके बाद उसी शिलापिंड का जो है यहाँ पर आज वर्तमान में हम पूजा करते हैं। माता जी का जो है पिंड रूप में यहाँ पर माता जी की स्पर्श जो है मूर्ति का वो नहीं है, आँख नाकने इसमें माता जी किसी पिंड रूप में है, और बाकी इसमें लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं, गणेश जी विराजमान हैं, उद्धव जी विराजमान हैं, और इसी चुन्नी के पीछे जो है माता के चरण, रामचंद्र जी के चरण के वो भी है, मतलब दो पांव के चरण बिंदु है उसमें, एक शिला पर हुए यहाँ पर स्थान को नरसिंह पत्थर यहाँ पर, और ये माता जी के यहाँ पर महात्म है। और ये नरसिंह पत्थर जो सामने दिखाई दे रहा है ये है ना नरसिंह पत्थर सामने जी। अच्छा, यहाँ पे इस गांव में क्या है वो है कि नरसिंह पत्थर को नचाया जाता है या यहाँ पर परंपरा अनुसार जो है, जो अब तो जैसे भी हमारे सामने यहीं पर जो है उन्होंने मंदिर जो गांव के पूरे जो है वृद्ध आदमी है उन्होंने बताया, पहले कोई भी इसको धारण करके इसका वो करता था, नचाता था, लेकिन वर्तमान में जो मैंने देखा है जिस पर जाग का पशु होता जो उसी पर जो है नरसिंह पत्थर अब नचा रहे वर्तमान में। हो सकता है और लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे होंगे, पर ये चीज़ वर्तमान में है और इसका 3 दिन का मेला होता है, और बाकी गांव में सब जगह जैसे जाग मेला होता है वो सब कुछ यहाँ पर भी होता है, और गांव की परंपरा बड़े समृद्ध है यहाँ पर, जैसे प्राचीन सब जगह है वैसे यहाँ पर भी। पंडित जी ने हमें सीता माता के बारे में और नरसिंह के बारे में बताया, और इसके लिए पंडित जी का धन्यवाद, और सब बोलो सीता मैया की जय, सीता मैया की जय, बोलो नरसिंह भगवान की जय। आंगन रहे अयोध्या रहे राम, अयोध्या रहे राम, संग रहे हनुमान, संग रहे
तथापि त्वं स्नेहं माये निरूपं याति प्रपुरुषे कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि पुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलताया मया पञ्चाशीते राधिगमापनीते दुवायासि। देखिए यहाँ का सुंदर मंगरा लोग यहाँ से ठंडा ठंडा पानी भरते हैं और पत्थरों में देखो कितना सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है और कितनी कटिंग करी हुई है पत्थरों की। ये देखिए ये है चाई गांव का मंगरा। हाँ मेरे मायके का मंगरा, मैंने ही खुद फर्स्ट टाइम देखा है। मैं बैठूं ना तो मैं उठ ही नहीं सकता, तब बड़ा मुश्किल है। तो कुर्सी में बैठूं, कुर्सी में बैठा रे आदर, कुर्सी में था कुछ हुआ शांत, कुर्सी में नहीं बैठा मेरा आदर तो मैं कुछ में बैठा। सुनो दादी को 99 ईयर्स है, बूढ़ी है तेरी। हाँ 99 99 ईयर्स की है लग रही दादी हमारे 99 की। सब हुआ नहीं कहते 99 के मान लो। अब तो जाने जाना आती पढ़ना आती ये तो टोल कुछ बाबा सही बात है। टोल कुछ किस्मत आओ दियो खने देवे वो तो किस्मत वाली है दादी। तीन तीन चार नाती जन नाती हुए बीबू सना हुए क्या। और अभी अपने हाथ में कर रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है नहीं है कि अपने आप कर रही दादी। किस्मत आओ बोल अभी फट की ना सामान दिया कुछ नहीं किया देखिए चाई गांव से जोशीमठ का नजारा कितना सुंदर लग रहा है जोशीमठ। और ये ठीक सामने पे है जोशीमठ। अब आ चुके हैं हम सीता माता के दर्शन करके वापस और रास्ते में ठीक सामने देखिए नदी बह रही है, ये है अलकनंदा। और इधर जाकर दिखता है विष्णुप्रयाग और ये पुल के नीचे है अलकनंदा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। देखिए इस तरीके से आज मैंने आपको सीता माता के दर्शन कराए और चाई गांव को सीतापुर भी कहते हैं और चाई गांव के बगल पे है थैंग गांव, उसको कहते हैं रामपुर। और अब मैंने सीता माता के आपको दर्शन करा ही दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो कोई मेरे साथ नए जुड़े हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।